अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भजन भी गाया। राम मंदिर को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बीच में बातचीत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दोनों नेता इस बातचीत के दौरान देश के कई राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस बीच दोनों ने राम मंदिर के साथ भगवान श्री राम के जीवन पर भी बात की। वहीं जब कपिल सिब्बल अपने साक्षात्कार को खत्म कर रहे थे तो उन्होंने फारूक से वहीं से कहा कि आप बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, कुछ सुना दीजिए। इसके बाद फिर क्या था, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने मेरे राम किस गली गयो, मेरे राम किस गली गयो, मेरे राम आंगन मेरा सूना सूना भजन गाकर सुनाया। ये वीडियो को दिल से विद कपिल सिब्बल यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। देखिए ये खास वीडियो। मेरे राम, 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 किस गली गयो मेरा राम, किस गली गयो मेरे राम, आंगन मोरा आंगन मोरा, आंगन मोरा सुना सुना, आंगन मेरा सुना सुना, मेरे राम कित गली गयो मेरे राम। बहुत 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 धन्यवाद फारूक साहब। जो आज आप जनाब याद रखेगा कि राम जी का है, नहीं नहीं हम आम तो हम सबका है, सबका है। हाँ भगवान तो सबके होते हैं। नहीं ये तो खैर भगवान राम को ये मानते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते। हम भगवान राम को मानते भी हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार भी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनके आदर्श ही इस देश को बचाएंगे, बचा सकते हैं, इनको भी बचाएंगे, नहीं चलेंगे तो इनको ये बचेंगे नहीं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। वो कई चीजें लोगों को पता नहीं थी। सही बात, इससे लोगों को पता लग जाएगा। बहुत बहुत